पाकिस्तान से बाबुल भाई आए हुए थे, इनका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले इनसे सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आदिल? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, और बड़ा मज़ा आया आपके साथ यहाँ पे इतने दिन गुजार के। और बाकी जो आपका जो सवाल है वो आप करें, मैं उसका बिल्कुल जवाब देता हूँ। तो पहले तो एक बार फिर से वेलकम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये बताएं, जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था पाकिस्तान में, जो डॉक्यूमेंट खुद ही किए रेडी या किसी एजेंट ट्रैवल एजेंट से करवाए? यार दो तरीके कार हैं, ठीक है, पाकिस्तान से आजकल आने के। पहले मैं बता देता हूँ कि अभी 2022 में कुछ चीज़ें और थी, 2023 में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है। हम शुरुआत कर लेते हैं पहले फ़ीस से। पहले फ़ीस चलती थी तकरीबन 18,000, 20,000, 22,000, लेकिन अब फ़ीस बढ़ के हो गई है 48,600। ये मैं आपको अभी मई तक 2023 तक की बता रहा हूँ, अब मज़ीद आगे बढ़ जाए तो वो हमें नहीं पता, लेकिन करंट डेट तक जो फ़ीस है ना वो 48,600 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। कि आपने जमा करा दिया, लग गया वीज़ा, नहीं लगा तो वो वेस्ट हो जाएगी। अच्छा, दूसरी तरीके का सवाल आपका था कि मैंने खुद अप्लाई किया या एजेंट के थ्रू किया है। आपको तीन चार बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी मुल्क में जाने के लिए। हमेशा वो आपका प्रोफाइल देखते हैं कि ये बंदा जो है उनको लग रहा है कि ये भागेगा तो नहीं आया, कि ये कितना अपने मुल्क से बेजार है, अगर सीधा बताऊं, ठीक है। वो क्योंकि आपकी बॉडी, आप जब वहाँ जाते हैं ना अपना केस सबमिट करने, क्योंकि तुर्किश उसके लिए आपको खुद फिजिकली जाना पड़ता है। आप कराची में फोरम है, फोरम की जो बिल्डिंग है उसके अंदर इनका ऑफिस है। आप उनके ऑफिस में जाएंगे, वो आपसे बोलेंगे जी वाइट बैकग्राउंड की तस्वीरें ले आएँ, उसका एक सर्टन साइज़ है, वो वहीं से ऑल खिंच जाता है। उसके अलावा वो आपके थंब इम्प्रेशन लेंगे, आपकी फ़ीस जमा करेंगे, आप रीज़न लिखेंगे कि आप क्यों जा रहे हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ आने के लिए कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसी है, ठीक है। वहाँ आपसे पूछेंगे क्यों जा रहे हैं। मुझसे पूछा था क्योंकि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैंने बोला भी मैं सोशल मीडिया के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कितने दिन रहेंगे, हम एक महीने का वीज़ा देंगे। मुझसे उन्होंने पूछा, मैं कहा भाई मेरे पास एक महीने का टाइम नहीं है आप लोगों को देने के लिए। मैंने सीधा ऐसे ही बोला उनको, मतलब बदतमीजी भी नहीं करनी, लेकिन आपने ये बताना है कि भाई मेरे तुर्की मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे अपने काम भी हैं, मैं मर नहीं रहा तुर्की आने के लिए। हमारा क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम दूसरे को ये चीज़ इंप्रेशन देते हैं कि यार मेरा वीज़ा ही लगा मैं मर जाऊंगा, तो यार मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है भाई, मैं जाके मेरा यूँ कर। ये आपने इंप्रेशन कभी किसी को नहीं देना, और बहुत तैयार होके याद रखिएगा, कभी मत जाइएगा पैंट कोट पहन के, नॉर्मल जैसे चल नॉर्मल टी शर्ट पहन के जाएं, उनको ये एहसास दिलाएं कि भाई आप मेरे लिए नॉर्मल हो, मैं अपने पैसे खर्च करके जा रहा हूँ। हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमें अपने राइट्स ही नहीं पता, हम एक ना गुलामों की तरह ना ट्रीट करते हैं लोग हमसे, और हम वैसे ही चलते हैं। आप जब वहाँ जाएं, मुझे अब एम्बेसी से कॉल आई, तो मुझे उन्होंने बोला यार आप जा रहे हैं, मैंने कहा यार आप मेरे पैसे भर रहे हैं, मैं अपने पैसे खुद भर रहा हूँ ना, मैं अपने पैसे लगा के जा रहा हूँ, आपने वीज़ा देना है दे, नहीं देना आपकी मर्ज़ी है मेरे पास। लेकिन मैंने आराम से बात की, मैंने उनको समझाया कि भाई मेरे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं देंगे मेरे लिए और बहुत मुल्क खड़े हैं, मैं वहाँ चला जाऊँगा, मैं तो टूरिस्ट हूँ, आपको बिजनेस देने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे, और मेरा ये पेज है और मैं इस तरह जा रहा हूँ, देना है दे, नहीं देना। लेकिन आजकल जरा उन्होंने थोड़ी सी सख्ती की हुई है पहले के मुकाबले में, क्योंकि बहुत सारे आउट ऑफ द कंट्री लोगों ने आके यहाँ पे कुछ, आपको ही पता है कि स्टे कर लेते हैं, स्टे कर लेते हैं, और कुछ आप लोगों को देखने वालों को पता है कुछ लोग स्टे कर लेते हैं, कुछ लोग आगे निकलने के लिए आते हैं, ज्यादातर जो है ना वो आगे निकलने आते हैं। इस वजह से तुर्की का वीजा ना जरा डिफिकल्ट होता है, वीजा रेशो भी कम होती है। पाकिस्तान के हालात देख के आपको पता ही है ना, आजकल के हालात चल भी ऐसे, हाँ चल भी ऐसे रहे हैं कि हर बंदा चाह रहा है कि मैं बस किसी तरह पाकिस्तान से जिंदा बच के भाग जाऊँ, कहीं ना कहीं निकल जाऊँ, जिसका जहाँ दहा लगता है वहाँ निकलने की कोशिश करो। तो बस सिंपल यही है, दो तीन चार चीजें बहुत बेसिक है। सबसे मेन चीज आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए, कम से कम आपके 8-10 लाख की ट्रांजेक्शन हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बैलेंस आपका इससे ऊपर हो, इसके करीब हो, तो उनको फील होना चाहिए कि हाँ ये बंदा इतनी वर्थ रखता है कि ये वहाँ जाके अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेगा, हमारे ऊपर बोझ नहीं बनेगा। ये मेन पॉइंट किसी भी मुल्क में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका बैंक स्टेटमेंट होता है, जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद आपका प्रोफाइल कैसा है, आप किस चीज़ से बिलोंग करते हो, ये सब चीज़ें आपने शो करानी है। सबसे मेन चीज़ आपकी बॉडी लैंग्वेज, जब आपको एम्बेसी से कॉल आए, आपका इंटरव्यू हो, तो आपने बहुत शेव वेव करके बिल्कुल जो टाई पैंट कोट पहन के नहीं जाना, याद रखिएगा। वो फौरन पकड़ लेते हैं कि ये बंदा ना स्पेशली ना बड़ा प्रिपेयर होकर, बड़ा तैयार होकर आया, इसका वलीमा आज ही है, तो ऐसा आपने नहीं करना। आपने बहुत रिलैक्स टी शर्ट पहन के, जो आप घर में पहनते हैं उसी तरह चले जाएँ आराम से, ना कि भाई मेरा जाना है और मैं विजिट करूंगा, अगर मुझे दिल चाहता है घूमने का, जो बात सच है वो बता दें कि भाई ये बात सच है, देनी है दो, नहीं देना ना दो। अब मैं लास्ट मैं नेपाल विजिट किया, मैंने और मुल्क विजिट किया है, मेरे चौथा कंट्री है जो मैंने विजिट किया है अभी, तो और ही अल्हम्दुलिल्लाह अभी और करने हैं, लेकिन ये कि इस आप जाएँ और दिए हुए टाइम से ना पहले वापस आ जाएँ,
और वहाँ पे जाके कोई ऐसी हरकत ना करें ताकि ये सब चीज़ें आपके रिकॉर्ड में रहती हैं। आपका वीज़ा जब रिजेक्ट होता है, आप किसी मुल्क में ट्रैवल करते हैं, तो हर चीज़ उनके पास होती है, लेकिन वो आपसे पूछते नहीं, वो आपसे ऐसे अनजान हो के आपसे पूछते हैं कि आप बताएं कि जी क्या सीन है। तो बस आपने जमा कराएं, मेरे ख्याल में विद इन वीक या विद इन 10 डेज जो है आपका वीज़ा लग के आ जाएगा, यस या नो जो भी होगा। चलिए, ये आपने बहुत अच्छी बात है, मैं पूछने वाला था बीच में बैंक स्टेटमेंट पर का भी आपने जवाब दे दिया, लोगों को समझ लगे कि 8-10 लाख कम से कम होने चाहिए। तो इसके अलावा ये बताएं कि एयरपोर्ट पर भी कोई तंग करते हैं जैसे आते हो लोग? यार एयरपोर्ट पर भी यही है, अगर कराची या लाहौर की आप कोशिश करें हमेशा बड़ा एयरपोर्ट लेना, कभी ये छोटे जो एयरपोर्ट है यहाँ ना जाएँ, यहाँ पर लोग तंग करते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान में। मतलब फारिग बैठे होते हैं, काम तो को पता है पाकिस्तानियों के पास वैसे तो कोई है ही नहीं, फारिग है सारे के सारे, तो वो जो आपको देखते हैं ना कि बंदा कोई घबरा रहा है या बॉडी लैंग्वेज उसकी सही नहीं है, तो उसको ना प्रेशराइज डालते हैं कि ना अगर वो कुछ घबराहट है तो कुछ बोल दे वो। तो मुझे उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ताकि लिखा हुआ है उसके ऊपर वीज़े पर टिकट पर कि आप कहाँ जा रहे हो, बोर्डिंग मिल गई है, टिकट ले लिया आपने, फिर ही पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, वहाँ बैठ जाओ साइड पर। मुझे उन्होंने एकदम बोला साइड पर बैठ जाओ, मैं क्यों बैठ जाऊँ भाई, मुझे आप कोई रीज़न दो मैं क्यों बैठ जाऊँ, मेरा राइट है पाकिस्तानी हूँ, मेरे को बांग्लादेश से कहीं से मतलब बांग्लादेश से मतलब क्या किसी और मुल्क से भाग के थोड़ी आया हुआ भाई। तो इसीलिए जो है फिर वो मुझसे ने पूछा अच्छा क्यों जा रहे हो, कितने दिन रहोगे, मैंने कहा मेरा दोस्त है उसके पास जा रहा हूँ। तो आप रिलैक्स होकर उनकी बातों का जवाब दें, और मेन चीज़ वही है कि आपका कॉन्फिडेंस सही है, आप उनको लगेगा कि बंदा शेक नहीं हो रहा कहीं पे, तो वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे, चेक करते हैं सिर्फ, बाकी जाने देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इधर के एयरपोर्ट पे भी कोई ऐसा सवाल जब पूछा हो कि कहाँ कुछ भी नहीं, कितने दिन, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने ये देखा है कि तुर्की में बिल्कुल नहीं पूछते, जो भी है ना वो अपने कंट्रीज में या खासकर एशियन कंट्रीज में। यार उसकी रीज़न है आदिल, जब हम लोग कहीं निकलते हैं ना, हम लोग ना अंदर चोर होता है कहीं ना हमारे अंदर चोर होता है, हम कहीं ना कहीं स्किप करें या भागें आगे पीछे, हाँ स्किप कर जाएं, कहीं भाग जाएं, कोई गड़बड़ कर दे, कुछ कर दे, तो वो लोग जज कर लेते हैं उनको, वो एक्सपर्ट है अपने काम में ना, वो फौरन से बात को पकड़ लेते हैं कि हाँ भाई ये बंदा ना कुछ कांड करेगा आगे जाके, इसको यहीं रोक लो। उसकी रीज़न भी है ना, भाभी तुर्की से लोग मेजोरिटी में लोग जो है ना यूरोप के चक्करों में आते हैं, इसलिए वो पूछते हैं, यूरोप जो है ना स्लिप हो जाते हैं। लेकिन आप जाएँ, अगर आप सिर्फ टूर की बेसिस पे आ रहे हैं या आपने कुछ जॉब हंटिंग करनी है, जो भी है आप आएँ ऑफिशियल तरीके से आए, इस तरह डंकी और ये इस तरह से सीन ना करें, ये कोई इसका फ़ायदा नहीं है यार। कितने लोग इसके अंदर मारे जाते हैं, कितने इसके अंदर लोग, हमारे मुल्क का नाम कितना बदनाम होता है। और मैं को बताऊँ, देखें अपना मुल्क है भाई, जो भी आपका मुल्क है ना भाई, आप अगर यहाँ आ रहे हैं रोज़गार के लिए, बेशक आएँ, अच्छे हलाल रोज़गार के इंसान को जाना चाहिए, लेकिन मेन बस यही है कि आप उसमें एक आपका मांगते हैं वो लोग FRC मांगते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बेगम बच्चों और आपका एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो आराम से बन जाता है, मसला नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट नादरा की वेबसाइट पे जाके बन जाता है, वरना आप किसी को 2-3 हज़ार रुपये देंगे तो बड़ा इजीली बन जाता है। अच्छा, तो टिकट के हवाले से क्या कहना चाहते हैं आप? टिकट के हवाले से, हाँ जी, टिकट के आपके पास 3-4 ऑप्शन होंगे। टिकट का एक ये ऑप्शन है कि जी आप डायरेक्ट एक एयरलाइन आती है डायरेक्ट कराची से, सीधा 5.5-6 घंटे में आपको तुर्की उतार देगी, वो थोड़ी सी महंगी है, जिसमें पेगासस है, और दूसरी एयरलाइन है तुर्किश एयरलाइन। जब मैंने पता की थी डायरेक्ट, तो वो तकरीबन 2.25 लाख रुपए की थी, तो बहुत महंगी पड़ रही थी मुझे। फिर मैंने जब उसके मुकाबले में जब मैंने पेगासस का पता किया, तो पेगासस मुझे मिली 1.5 लाख रुपए की। तो ये दोनों डायरेक्ट फ्लाइट, दोनों फ्लाइट डायरेक्ट है, लेकिन तुर्किश एयरलाइन बहुत अच्छी है और थोड़ा सा बेहतर है। और अगर आपने थोड़ा सा पैसों में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, 70-80 हज़ार पैसे होते हैं भाई उसमें, अगर आपने वो करना तो आप पेगासस ले लें डायरेक्ट। और आप अगर दोस्त आ रहे हैं, आपको कोई मसला नहीं है जल्दी आने का, क्योंकि मैं अकेला आ रहा था, मैंने कहा मैं कहाँ कनेक्टिंग फ्लाइट में बोर होता फिरूंगा, क्योंकि वो अगर कतर एयरलाइन है तो पहले कतर लेके जाएगी, फिर 5-6 घंटे जितना होगा अगली फ्लाइट का, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाह रहा था इस हैसल में पड़ना, तो मैंने डायरेक्ट फ्लाइट कराई, वो मिल रही थी 1,20,000, 1,15,000, 1,20,000 की पड़ी थी, 1-1.25 की पड़ी थी। मैंने कहा यार 20-25 हज़ार है, लेकिन मुझे सहूलत है, बस उड़ूंगा और सीधा तुर्की पहुँचूंगा। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ पर आया बहुत अच्छा लगा, बड़ा एक ज़िंदगी का एक नया रुख देखा यहाँ पे आके। तो इसके अलावा अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि होटल यहाँ पे कितने मिल जाते हैं, जैसे कि आपने 5-6 दिन इधर गुजारे हैं, उसका आप क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि होटल वगैरह कैसा रहता है? यार होटल का खर्चा है बहुत आराम से मिल जाता है, जैसे हम लोगों ने अभी पूरा तुर्की तकरीबन आधा तुर्की तो हमने ट्रेवल कर लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, तो आदिल भाई की वजह से हमारी बड़ी आसानी रही। तो अब नॉर्मल भाई होटल जो है ना आपको यहाँ पे, मतलब मैं 5-स्टार या 4-स्टार की बात नहीं कर रहा, अच्छे होटल जिसमें मतलब ठंडा गर्म पानी, AC लगा हुआ है, टेलीविजन, नाश्ता भी हाँ अगर आपको वो दे रहे हैं, तो वो आपको 700 लीरा में बड़े आराम से डबल बेड या 3 बेड वाला ही मिल जाएगा। अगर 3 दोस्त भी आप आ रहे हैं तो 700 लीरा 600 लीरा, इवन हमने 500 लीरा तक का भी लिया है, तो ये एवरेज है, 500 से 700 के बीच में आप थोड़ी बार्गेनिंग करेंगे तो
कोई अगर 800 ही बोलेगा तो वो थोड़ा सा और अच्छा होगा, 1000 में थोड़ा सा 3 स्टार हो जाएगा। तो आपने मतलब ऑन एवरेज साइड रखना है 600-700, 600-700 में आपको आराम से होटल मिलेगा। किसी भी शहर में आप जाएंगे तो आप यहाँ पे अगर आप एक हफ्ते के लिए आ रहे हैं या आप मैक्सिमम मेरे ख्याल से एक हफ्ता बहुत है तुर्की और आसपास के शहर घूमने के लिए, हफ्ता 10 दिन बहुत है, तो आपका जो खर्चा है मेरे ख्याल में सब मिला मुलू के जो है वो आप एक बंदे का रख लें टिकट और वीज़ा और ये सब मिला मुलू के 3-4 लाख रुपये रख लें। क्योंकि आपने इधर घूमना भी होता है, खाना भी खाना है, पीना भी है, कभी म्यूजियम में भी जाना पड़ जाता है तो फिर उसके भी खर्चे होते हैं। क्योंकि वहाँ से आप डॉलर बाई करेंगे, डॉलर के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। डॉलर आप वहाँ से $1000 बाई कर लें, जो बच जाए वापस ले जाइएगा। $1000 बाई करें, टिकट वगैरह लें, जो बच जाए वो वापस जाके चेंज करा लीजिएगा। डॉलर रखिएगा, कम से कम पैसे वैल्यू तो डाउन नहीं होगी ना। तो इसके अलावा बहुत से लोग जो है ना मुझसे ये सवाल बहुत करते हैं कि वीज़ा कैसे कन्वर्ट होगा, ये वो। मैंने बहुत बार आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि वीज़ा कन्वर्ट करने का भी एक प्रोसेस है, एक तरीकाकार होता है, तो आप उसको फॉलो किया करें। लेकिन ये है कि आजकल ईजीली नहीं होता, पहले बहुत ईजीली हो जाता। बाकी रही बात जैसे बाबा ने बोला जॉब के हवाले से भी, तो जॉब भी इधर मिल जाती है। अब बार में ये जगह भी बता देता हूँ जिधर बैठे हुए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसको इधर ही एंड करना है। तो मैं फिलहाल बैठा हूँ बेशिकताश में, यहाँ से भी हमने कश्ती लेके जाना है ये सामने से। ये सारी जो आप देख रहे हैं ये एशियन साइड है, कश्ती मेरे ख्याल से आ भी गई है, और ये जो हमने जाना है वो कश्ती भी आ गई है। तो फिर आप लोगों से इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।